हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज हम ये बेबी सेट के साथ की पेंट बनाएंगे। इस पेंट को भी मैंने 1 to 2 ईयर के बेबी के लिए ही बनाया है। इसे मैंने प्लेन बुना है। आप अगर चाहें तो जो स्वेटर में डिज़ाइन है वो डाल के भी इसी तरह से पेंट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पजामा बनाने के लिए 50 स्टिचेस मैंने अपनी सिलाई में डाल लिए हैं और इन स्टिचेस को डबल धागे से हमें डालना है। इसके बाद अब राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए 20 रोज हमें यहाँ पे इसकी बुनकर कंप्लीट करनी है। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए मैंने यहाँ पे 20 रोज बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ से राइट साइड से अगर इनको देखेंगे तो जो ये हमारी उल्टी उल्टी लाइंस हमें नजर आ रही हैं, ये हमारी 10 होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये एक हमारी जो उल्टी लाइन है ये 2 रोज से मिलकर बनी है। तो 10 into 2, 20 रोज हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद राइट साइड से इस रो को हम सीधा बुनेंगे और सीधा बुनते हुए हमें इस रो में 10 फंदे इंक्रीज करने हैं। स्टार्टिंग का फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर एक फंदे के हमें 2 बनाने हैं। ऐसे एक बार इसको सीधा बुनकर फिर दोबारा से हम इसको बुनेंगे तो ये हमारा एक फंदा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हमें 4 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर एक फंदा इंक्रीज करना है। इसी तरह से इक्वल इक्वल गैप देते हुए हमें टोटल 10 फंदे यहाँ पे इस रो में इंक्रीज करने हैं। रॉन्ग साइड की रो को मैंने यहाँ पे उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब जो भी हम रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे वो हमें सारी की सारी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करनी है और राइट साइड की सारी रोज हमें यहाँ पे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। इसी तरह से हम ये आगे इसको बुनते जाएंगे। अब यहाँ से जब हम बुनना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड में हमें सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड में उल्टा, तो 4 रोज अब हमें यहाँ पे बुननी है। इन 4 रोज को बुन लेने के बाद जब हम 5th रो पर आएंगे तब एक फंदा हमें यहाँ से बढ़ाना है और एक यहाँ से बढ़ाना है। तो पहले ये 4 रोज मैं यहाँ पे बुन लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि फंदा हमें किस तरह से दोनों साइड से बढ़ाना है। राइट साइड से सीधा बुनते हुए और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए ये 4 रोज 4 सलाइयाँ हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। 4 रोज बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम 5th रो में यहाँ पे एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से बढ़ाएंगे। तो वो देखिए आपको किस तरह से बढ़ाना है। यहाँ पे जो 1st फंदा है उसको तो हम स्लिप करेंगे, फिर जो हमारा 2nd फंदा है इस फंदे को आप वैसे सीधा तो ऐसे नॉर्मली बुनते हैं लेकिन हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो ये जो इसके नीचे होल आपको नज़र आ रहा है ये वाला, पहले हम यहाँ पे ऐसे सिलाई डालते हुए एक बार इसको सीधा बुनेंगे और फिर ऊपर से यहाँ से ऐसे इसको सीधा बुन देंगे। ऐसे हमारा एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। एक तो आप मेथड इस तरह से फंदा बढ़ाने का यूज़ कर सकते हैं और दूसरा मेथड आपका वही है जो नॉर्मली मैंने पहले भी अभी आपको बताया था। एक ही फंदे को जब हम 2 बार बुन देंगे, जैसे एक बार ऊपर से ही हम इसको बुन रहे हैं ऐसे ऐसे बुनकर और फिर दोबारा से सिलाई को ऐसे इसी में डालते हुए ऐसे ही बुनकर आप इस फंदे को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको सही लगता है उस तरह से आप अप्लाई करके फंदा यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक फंदा हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। यहां तक हम इसको बुन लेंगे लास्ट के 2 फंदे रहने तक। इन फंदों को यहां तक बुन लेने के बाद लास्ट में हमारे पास 2 फंदे हैं। फिर से हमें यहाँ पे इस फंदे के 2 बनाने हैं, एक फंदा इंक्रीज करना है। फंदा इंक्रीज करने के बाद लास्ट में हमारे पास ये एक फंदा है, इसको हम सीधा बुन देंगे। ऐसे हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। इस रो में जैसे हमने एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से इंक्रीज किया है, इसी तरह से हर 5th रो पे हमें एक एक फंदा दोनों साइड से इंक्रीज करते जाना है। अब इसके बाद जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे, यहाँ से काउंट करते हुए 4 रोज हम बुन लेंगे और 4 रोज जैसे ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर 5th रो पे हमें एक एक फंदा ऐसे इंक्रीज करते हुए इसको आगे बुनते जाना है। इस पार्ट को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमने हर 5th रो पे एक एक फंदा दोनों साइड से इंक्रीज करते हुए टोटल जो हमने फंदे यहाँ पे साइड्स में इंक्रीज किए हैं, 12 फंदे यहाँ पे, 12 फंदे यहाँ पे और 12 फंदे यहाँ पे, टोटल 24 फंदे हमने यहाँ पे इंक्रीज किए हैं।
स्टार्टिंग हमने 50 से की थी, 10 फंदे हमने यहाँ पे इंक्रीज किए और 24 फंदे हमने यहाँ पे इंक्रीज किए हैं, 50, 10, 60 और 24, 84 फंदे हमारे यहाँ पे अब हो गए हैं। और स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक जो रोज हमने बुनी है 85 रोज इसकी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब जैसे हमने लेग के इस पार्ट को यहाँ तक बुना है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही दूसरे पार्ट को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी सेम एज इट इज़ इस पार्ट की तरह मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। 84 फंदे हमारे पास इस पार्ट में है, 84 इस पार्ट में है, तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, अब हम इसकी सर्कुलर निटिंग से इसको दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। इसको बुनने के लिए स्टार्टिंग में यहाँ पे 4 फंदे हम इंक्रीज कर लेंगे, तो उसके लिए आप जैसे चाहें फंदा इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक बार ऐसे बुनकर फिर इस फंदे को ऐसे सिलाई में डालूंगी, एक फंदा इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद एक बुना, फिर दोबारा से ऐसे सिलाई में डाला, 2, 3 और ये 4। ऐसे हमने यहाँ पे एक फंदे इंक्रीज करने हैं। तो फंदे इंक्रीज करने के बाद अब यहाँ से सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक एंड तक हम इसको बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से सीधा सीधा बुनकर मैंने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट लेंगे और इस पार्ट में भी हमने जैसे यहाँ पे 4 फंदे हमने इंक्रीज किए थे, सेम एज इट इज़ इसमें जो थ्रेड है इससे हम 4 फंदे यहाँ पे पहले इंक्रीज कर लेंगे। ये 4 फंदे हमने इंक्रीज कर लिए हैं। अब इसके बाद इस थ्रेड को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और इसके साथ अटैच कर लेंगे। इस वाले थ्रेड के साथ यहाँ पे इसका एक नोट लगा लेंगे और इस वाले थ्रेड से जिससे हम यहाँ से बुनते हुए आए थे इससे आगे इसको सीधा सीधा बुनते हुए कंटिन्यू कर लेंगे। पहले यहाँ पे हम इस थ्रेड को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड को बाद में कट कर देंगे और नेक्स्ट जो आगे जितने भी फंदे हैं हमारे, ये 4 फंदे और यहाँ तक, इनको हम सीधा सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से मैंने इनको सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब इनको मैंने सर्कुलर निडल में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि अब हम यहाँ से सर्कुलर निटिंग स्टार्ट करेंगे। जहाँ से स्टार्टिंग में हमने 4 फंदे इंक्रीज करके इसको बुनना स्टार्ट किया था, अब इस पार्ट को हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। इसके लिए अब जब हम सर्कुलर निटिंग करेंगे तो यहाँ से अब हमारे राउंड्स कंप्लीट करते जाएंगे हम, तो उसको इंडिकेट करने के लिए कि हमारा एक जो रो है, एक राउंड यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे और ये अब हमारी फ्रंट साइड है। इसमें इन 4 फंदों में आगे जाके हमें रिडक्शन करनी है, बैक साइड में हमें कोई रिडक्शन नहीं करनी इस वाले पार्ट में, जस्ट यहाँ पे हम करेंगे। तो इसके लिए अब एक मार्कर हम यहाँ लगाकर और 4 फंदे जो हमने इंक्रीज किए थे पहले इनको सीधा बुन लेंगे और फिर इसके बाद एक मार्कर हम लगा देंगे। 4 फंदों को हमने सीधा बुन लिया, फिर एक मार्कर और हम लगा देंगे यहाँ पे और इसके बाद जो भी हमारे फंदे हैं इन सारे फंदों को यहाँ से लेकर पूरा राउंड कंप्लीट करते हुए यहाँ तक हमें एक राउंड कंप्लीट करना है। और इसके बाद एक राउंड जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा फिर एक राउंड और हम कंप्लीट करेंगे वैसे यहाँ तक सीधा बुनते हुए। तो ये 2 राउंड हमें इस तरह से सीधा बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। टू राउंड्स मैंने यहाँ तक बुनते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे जो ये सेंटर के 4 फंदे हैं इनमें से हम ये मार्कर यहाँ शिफ्ट करके 2 फंदों का एक बना देंगे सीधा बुनते हुए ऐसे। 2 फंदों का एक बनाने के बाद जो नेक्स्ट 2 फंदे हैं इसमें से इन दोनों फंदों को भी हम सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। इस तरह से हमने इनको कर दिया, 2 फंदे हमारे यहाँ रिड्यूस हो गए। मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये फंदे रिड्यूस हो जाने के बाद अब हम यहाँ से 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगे सीधा बुनते हुए। जब
यहाँ पे चार फंदों के दो बनाने के बाद उस राउंड को कंप्लीट करने के बाद से दो राउंड और मैंने सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे थर्ड राउंड पे आ गए हैं। यहाँ पे हम फिर से फंदे रिड्यूस करेंगे। इसके लिए जो हमारा मार्कर है, इससे पहले वाला जो फंदा अभी तक हमने नहीं बुना, इसको हम सिलाई पर ऐसे ले लेंगे। ये जो हमारा मार्कर है इसको हटाएंगे, फिर इस फंदे को सेंटर के फंदों में इंक्लूड करेंगे। मार्कर हम यहाँ पे लगा देंगे। इन दो फंदों को इकट्ठा लेते हुए सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट फंदा हम लेंगे इस फंदे को ऐसे लेकर, फिर ये मार्कर जो सेकेंड वाला मार्कर है इसको हम हटा देंगे। यहाँ से एक फंदा और हम इसमें इंक्लूड करेंगे, फिर दो फंदों को ऐसे सीधा लेते हुए हम एक बना देंगे। इस तरह से बुन जाने के बाद फिर से हम यहाँ पे मार्कर लगा देंगे। अब हमें यहाँ से सीधा इसको बुनते जाना है, और यहाँ से इस राउंड को सीधा बुन लेने के बाद फिर हमें दो राउंड और सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करने हैं। फिर जब हम थर्ड राउंड पर आएंगे, फिर हमें सेम एज इट इज़ वैसे ही फंदे रिड्यूस करने हैं जैसे अभी हमने यहाँ पे किए हैं। इस तरह से दो फंदे हमने यहाँ रिड्यूस किए थे, दो यहाँ, चार फंदे हमारे रिड्यूस हो चुके हैं। 8 फंदे और हमें रिड्यूस करने हैं। इट मीन्स टोटल हमें 12 फंदे इसी तरह से रिड्यूस करने हैं, और इन फंदों की रिडक्शन जस्ट हमें इस वाले पार्ट में करनी है जहाँ पे हमने ये मार्कर लगाए हैं। जो हमने चार फंदे और इंक्रीज किए थे, जो हमारा ये बैक वाला पार्ट होगा, इसमें हमें कोई भी फंदों की रिडक्शन नहीं करनी। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते जाएंगे। जब हमारे 12 फंदे इसी तरह रिड्यूस हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी फंदों की रिडक्शन नहीं करनी। फिर हम इसको सीधा सीधा सिंपली बुनते चले जाएंगे और इस पार्ट की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे हम इसको बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। सेंटर में यहाँ पे फंदों को मैंने रिड्यूस कर लिया है, और उसके बाद इसको सीधा सीधा बुनकर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसमें यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे ही दो दो फंदे रिड्यूस करते हुए टोटल 12 फंदे, 12 फंदे मैंने इस फ्रंट पार्ट में यहाँ पे रिड्यूस किए हैं। फिर उसके बाद जो भी बचे हुए फंदे थे उनसे सीधा सीधा बुनकर इस पार्ट को यहाँ तक कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक 58 रोज बुनकर कंप्लीट की है। आप ये देखिए, जब हमने इन दोनों पार्ट्स को अटैच किया था, सर्कुलर निटिंग स्टार्ट की थी, 84 फंदे हमारे इस पार्ट में थे, 84 इस पार्ट में थे, और चार चार करते हुए 8 फंदे हमने यहाँ पे सेंटर में बढ़ाए थे। तो 176 फंदे हमारे उस टाइम थे जब हमने इसकी सर्कुलर निटिंग स्टार्ट की थी। 12 फंदे हमारे यहाँ पे फ्रंट साइड में सेंटर में हमने रिड्यूस किए हैं, इनको अगर हम उसमें से लेस करें, 164 फंदे हमारे इस पार्ट में रह गए हैं, और इससे मैंने सीधा सीधा बुन के यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट बुनेंगे, जिसमें एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से करते हुए उस पार्ट को बनाएंगे, जिसमें हम डोरी के लिए स्पेस भी देंगे। ये जो मैंने यहाँ पे मार्कर लगाया है, ये मैंने सेंटर को शो करने के लिए मार्कर लगाया है। अब नेक्स्ट जो हम पार्ट बुनेंगे, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एक्चुअल में ये हमारा कितना हमने बुनकर कंप्लीट किया है। मेजरमेंट यहाँ से लेकर रोज तो 58 हो गई, और जो हमारा तैयार हुआ है नियर अबाउट 7.25 इंच तक हमारा ये बुनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए नेक्स्ट पार्ट जब बुनेंगे, आप अपनी चॉइस से इस पार्ट को चेंज कर सकते हैं। आप दो फंदे सीधे दो उल्टे, या जैसे आपको पसंद है, सिंपल प्लेन प्लेन बुनना पसंद है तो वो भी आप नेक्स्ट आगे बुन सकते हैं। अब यहाँ पे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा हम बुनेंगे, लेकिन हम पीछे से ऐसे सिलाई को डालते हुए सीधे फंदे को बुनेंगे। एक उल्टा ऐसे पीछे से सिलाई हम ले जाएंगे और इस सीधे फंदे को बुनेंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न हमारा बनकर तैयार होगा सीधे उल्टे का। इस तरह से बुनते हुए कुछ रोज मैं यहाँ पे बुन लूंगी, और फिर आपको बताऊंगी सेंटर में यहाँ पे हमें डोरी के लिए होल्स जाली देते हुए किस तरह से बनाना है। तो इतना मैं बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से बुनते हुए इस पैटर्न से मैंने 6 राउंड बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे डोरी डालने के लिए दो होल्स बनाएंगे फ्रंट साइड में। ये हमारा जो मार्क है सेंटर का मार्क यहाँ तक आता है, इससे 6 फंदे हम पहले लेंगे और इनमें से इन दो फंदों का एक हम बना देंगे, जिसके लिए हम
यहाँ पे धागा हमारा पीछे है, आगे लेकर आएंगे। इन दोनों फंदों को ऐसे लेते हुए पीछे से सीधा बुनते हुए हम एक बना देंगे। जब हम इनको एक बनाएंगे तो एक हमारी यहाँ पे जाली बन जाएगी ये धागा ऊपर से जाने से, और जो हमारी कमी हुई है जब हम इसको बुन देंगे तो वो पूरी हो जाएगी। फिर इसके बाद काउंट करते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आठ फंदे हम यहाँ पे बुन लेंगे। ये आठ फंदे बुन लेने के बाद जैसे हमने यहाँ पे एक जाली डाली थी, यहाँ भी इसी तरह से हम करेंगे। धागा आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को ऐसे लेते हुए पीछे से सीधा बुन देंगे। तो यहाँ भी हमारी एक जाली बन गई है, ये हमारी डोरी डालने के लिए फ्रंट साइड में जाली हो गई। फिर अब हमें इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे इसको बुनते जाना है, और ये मार्कर भी अब हम यहाँ से हटा देंगे। इस पार्ट को मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। एक सीधा एक उल्टा इस तरह से बुनते हुए पहले 11 राउंड्स यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिए। फिर जो 12th राउंड था उसको मैंने पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट किया है। 12th राउंड को उल्टा बुनकर कंप्लीट करने के बाद फिर से एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से सेम पैटर्न से बुनते हुए 11 राउंड्स और मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे इन सारे फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। दो फंदों को एक इस तरह से बनाते हुए लेते हुए ऐसे इसको हम बाइंड ऑफ करते जाएंगे। फिर इस फंदे को दोबारा से सिलाई में ऐसे लेंगे, फिर दो फंदों को एक बना देंगे। ऐसे ये सारे फंदे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इन सारे फंदों को मैंने यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दिया है। अब बाइंड ऑफ करने के बाद थोड़ा सा थ्रेड मैंने एक्स्ट्रा रख लिया जिससे हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। अब पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जहाँ पे हमारा ये धागा है, जैसे ये वाली लाइन है हमारी, लाइन से उनको मिलाते हुए ऐसे हम इसको स्टिच करेंगे। एक बार इस तरह से करेंगे और एक बार इस तरह से करेंगे। ऐसे इसको हम स्टिच करते जाएंगे। इस पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से लेकर जो भी हमारा ये ओपन पार्ट है सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। इस पजामे को मैंने यहाँ से फोल्ड करके और इस ओपन पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। अब ये हमारा स्टिच होके रेडी हो चुका है। अब जस्ट हमें यहाँ के लिए एक डोरी बनानी है, वो आप अपनी पसंद से जैसे चाहें बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये निटिंग नीडल्स के थ्रू आई कॉर्ड तैयार की है, वो मैं यहाँ पे सेट करूँगी। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है 37 इंचेस की तैयार की है। इसे कैसे हमें बनाना है चलिए स्टार्ट करते हैं। आई कॉर्ड बनाने के लिए हम सबसे पहले तीन फंदे ऐसे अपनी टू पॉइंटेड नीडल में डाल लेंगे और यहाँ से इसको हम सीधा सीधा बुनेंगे। इन तीन फंदों को हमने सीधा बुन लिया। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पे इस पॉइंट से इसको दोबारा से फर्स्ट पॉइंट पर ऐसे लेकर आएंगे। धागा जो है हमारा वर्किंग वूल जो है वो हमारी थर्ड फंदे पे ही रहेगी ऐसे, और यहाँ से फिर से हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे। जैसे ही हम इसको फर्स्ट फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, धागा जो है हमारा ये थर्ड फंदे से ऐसे हम लेंगे सीधा बुनते हुए, और फिर नेक्स्ट को भी बुन देंगे। इस तरह से बुन जाने के बाद फिर से हम यहाँ पे इसको फर्स्ट पॉइंट पर ले आएंगे ऐसे, और फिर हम इसको बुनेंगे। अब देखेंगे आप, ये जो फंदा थर्ड फंदा है यहीं पे धागा हमारा है, फिर फर्स्ट फंदे को हम बुनेंगे, फिर यहाँ से ऐसे धागा लेकर आएंगे। सीधा सीधा हमें इनको बुनते जाना है और पॉइंट्स को हम ऐसे ही आगे लाते जाएंगे। फिर से ऐसे ले आए हम, ऐसे हमारी ये आई कॉर्ड बनती जाएगी। इसी तरह से बुनते बुनते हम अपनी लेंथ जितनी हमें आई कॉर्ड तैयार करनी है वो हम बना लेंगे, और फिर जब हम इसकी एंडिंग करेंगे तो ये जो तीनों फंदे हैं इनको इकट्ठा ऐसे लेते हुए और फिर हम एक बना देंगे। और फिर जो ये हमारा फंदा है इसमें से इस धागे को ऐसे निकाल कर ऐसे सेट कर देंगे।
और ये जो धागा है इसको हम थोड़ा सा कट करके इस आई कॉर्ड के अंदर यहाँ पे सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये डोरी यहाँ पे बनानी है। पजामे में यहाँ पे इस डोरी को सेट करने के लिए हम एक एज पे सेफ्टी पिन ऐसे डाल लेंगे डोरी में, और फिर इस होल में ऐसे डालते हुए यहाँ से ऐसे ले जाते हुए हम इसको सेट करेंगे। इस दूसरे होल में ऐसे निकाल देंगे, दोनों एजेस को पकड़ के इक्वल कर लेंगे। सेफ्टी पिन को हटा देंगे। अब ये हमारी यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब दोनों एजेस पे हम एक एक नोट लगा देंगे इस तरह से। डोरी को यहाँ पे टाई कर देंगे। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। जो लेंथ मैंने यहाँ पे तैयार की है इस पजामे की, वो लेंथ मैंने यहाँ से लेकर 17 इंचेस ये हमारी तैयार हुई है। और ये जो पार्ट है इसको मैंने तैयार किया है 8 इंचेस। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।